जी शुएब शहीन साहब, बताइएगा, इमरान खान साहब ने आज इजहार बरहमी किया है और उनके मुताबिक ये है कि किसके कहने के ऊपर जो है वो रावलपिंडी वाला जो है वो कैंसिल करनी पड़ी आपको एहतजाज की कॉल, और उन्होंने जुम्मे को डी चौक पहुंचने का कह दिया है। एहतजाज पूरे पाकिस्तान को कॉल चली गई है, डी चौक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे, आप NA-47 के अवामी नुमाइंदे हैं क्योंकि हलका भी आपका है, मैनेजमेंट आपके पास होगी, और पहला सवाल तो वही है कि रावलपिंडी में खान साहब ने इजहार बरहमी किया कि किसके कहने के ऊपर आपने एहतजाज की कॉल ख़त्म की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो यह है कि आज मैं मिलने गया था खान साहब को, लेकिन मुझे नहीं मिलने दिया गया, लिहाजा मैं डायरेक्ट बात तो हो नहीं सकी। दूसरी बात, इसके हवाले से अगर उन्हें पूछा है कि क्यों एहतजाज की कॉल ख़त्म की गई थी, और ये एहतजाज तो बहरहाल रात 12 बजे तक जारी रहना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता। बहरहाल हमें तो आपको पता है, 3 दफ़ा मैंने कोशिश की, हमें तो गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बच निकले और हमारे कारकुनान ने हमें बचाया और हमारे लोग हमने 2-2, 4-4 करके एहतजाज में भेजे। लेकिन ये जो भी होगा इस पर खान साहब के हुक्म पे जो भी अमल होगा वो आगे चलेगा। दूसरी बात जो आपने की है डी चौक का फैसला, बिल्कुल जाएंगे, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम यहाँ भी यही खड़े हैं, डी चौक हम रोज़ जाते हैं, यहीं से गुजरते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट वहीं मौजूद है। देखें, पार्लियामेंट में घुस बैठिए मौजूद हैं, पार्लियामेंट के अंदर डाकू बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो Form 47 के पैदावार लोग बैठे हुए हैं, इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप उस कोने से शुरू करें आखिरी कोने तक पहुँचें, इनसे पूछें कि कौन जीता, और जिस सेक्टर, जिस मोहल्ले, जिस एरिया में आप चले जाएँ आपको पता चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर यूनियन कौंसिल पर जीते हैं, हर पोलिंग स्टेशन से जीते हैं, लेकिन वो कठपुतली तारिक फजल हो या बाकी लोग हों, जिस तरह वहाँ पहुँचाए गए हैं, इसके पीछे बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा फैसला किया है उन्होंने, डी चौक में पहुँचने का, हम पहुँचेंगे। जब संगजानी में पहुँचते हैं वहाँ भी पर्चा होता है, जब हम पिंडी पहुँचते हैं वहाँ भी पर्चा होता है, जब हम प्रेस क्लब के सामने पहुँचते हैं वहाँ भी पर्चा होता है। देखें, एक बात तय है, हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करना हमारा फंडामेंटल राइट है, तो लिहाजा डी चौक माजी में भी सब प्रोटेस्ट करते रहे, अब हम भी कर लेंगे, इसलिए कि जब हक पे, सच पे हम खड़े हैं तो हक सच के लिए जुदोजहद करना हमारे पे लाजिम है, और खान साहब के फैसले पे हम इंशाल्लाह अमल करेंगे। सर, ये बताइएगा कि डी चौक में पाकिस्तान तरीके इंसाफ तकरीबन 2 साल बाद वहाँ प्रोटेस्ट करने जा रही है, तमाम तर जो इस वक्त हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, पूरा पाकिस्तान डी चौक का, इमरान खान ने कॉल दे दिया है कि जुमे के रोज़ डी चौक पहुंचना है, तो पूरा पाकिस्तान कैसे आएगा, क्या इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि आप तो मुंतजमीन से हैं, आपका हलका है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सारे मामलात हैं, कंटेनर हैं, रस्ते में बहुत से मसाइल हैं, हर जगह पे हम देख रहे हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं टेयर गैस है, वजीर आला KP के रावलपिंडी तक ना पहुँच सका, कैसे काफिले पहुँचेंगे। देखिए, संगजानी में भी तमाम रास्ते बंद थे, पिंडी इस्लामाबाद के आपको बताएं, पूरा पिंडी डिवीजन बंद था, इस्लामाबाद बंद था, लेकिन लोग पहुंचे। इसी तरह आपने देखा कि पिंडी में पूरा पिंडी डिवीजन इन्होंने बंद किया रखा था, फिर जो पिंडी में एहतजाज था, एहतजाज की कॉल थी, पर हर इलाके से लोग पहुँचे, पर हर जगह पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह एहतजाज हुआ, और खान साहब का हुक्म यही है, जहाँ रोके वहीं आप एहतजाज करें, वहीं आप धरना दें, वहीं आप जलसा करें, और यही हमने किया, और इसी तरह हम इंशाल्लाह आगे भी यही करेंगे, जहाँ जहाँ ये रोकेंगे, लेकिन हमारे जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो टाइगर्स हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, इंशाल्लाह वो पहुँचेंगे। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ रोकेंगे तो हर गली मोहल्ले में जलसा होगा, हर रोड पे जलसा होगा, हर रोड में प्रोटेस्ट होगा, पूरे पाकिस्तान में होगा, जहाँ जहाँ रुकावट पैदा होगी, लेकिन जहाँ अबूर कर सकें वो अबूर करेंगे, जहाँ नहीं कर सकेंगे वहीं प्रोटेस्ट भी होगा, जलसा भी होगा, जुलूस भी होगा। क्या ये जो इमरान खान की कॉल डी चौक पहुँचने की है, इसको धरना कंसीडर किया जाएगा, रैली कंसीडर की जाएगी, या फिर एक एहतजाज के बाद ये ख़त्म कर दिया जाएगा? देखें, ये एहतजाज है अभी, रैली और एहतजाज है, लेकिन अभी धरना हमने नहीं किया, अभी ये 2 दिन पहले हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया है, वकला का लॉयर्स कन्वेंशन, लॉयर्स का प्रोटेस्ट जो था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुली कामयाब रहा, लोग आए, इसके बावजूद के रास्ते में रुकावटें थी, हमने वो प्रोटेस्ट किया, इंशाल्लाह आप भी करेंगे, और जहाँ जहाँ भी जो जो हुक्म खान साहब देगा इंशाल्लाह ताला, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, डू एंड डाई का मामला है, कश्तियाँ जला के निकलो, यही खान साहब का हुक्म था, और हम लाहौर में पहुँचे, आपको पता है
10 घंटे हमें लग गए, लेकिन पहुँचते पहुँचते अलहमदिल्ला पहुँच गए। हमने वहाँ स्पीच भी की, प्रोग्राम भी किया। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह पूरे वर्कर्स कारकुनान लोग पहुँचेंगे, और जो नहीं पहुँच पाएगा उसका भाई शेख शहीन साहब वजीर आला पहुँचेगा, उसका बेटा पहुँचेगा, उसकी बेटी पहुँचेगी, बच्चे पहुँचेंगे, इंशाल्लाह हर जगह पहुँचेगा। शेख शहीन साहब वजीर आला के ने एक बड़ा ऐलान जारी किया है कि अगर आपने एक गोली मारी हम फिर 10 मारेंगे, आप एक टेयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे, आप एक हमारे ऊपर शेल मारोगे हम 10 शेल मारेंगे, ये काल दे रखी है। क्या समझते हैं कि अगर इस मरतबा रुकावटें डाली गई तो केपी हुकूमत अपनी भारी मशीनरी इस्तेमाल करेगी पंजाब पुलिस के खिलाफ, इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ, अगर जिसने भी रास्ते में रुकावट रोकी तो आप उनका खिलाफ बाकायदा तौर पे ऐलान जंग रखेंगे? फिर एक फंडामेंटल राइट है, फैजाबाद धरना केस की जजमेंट की रोशनी में बुनियादी इंसानी हक है कि मुझे रोड पे कोई नहीं रोक सकता। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, मेरा हक है कि मैं रोड पे अपनी गाड़ी लेकर आऊँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी तक ये नहीं पता ना। और किसी भी जाने वाले बंदे के जो रास्ते की रुकावट पैदा की गई है, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, तो उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के खिलाफ अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं निकलूँगा और मेरे मुझे गोलियाँ ना मारें और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, और अगर करेंगे तो उसका बदला दिया जाएगा। सर लास्ट मेरा ख्याल है कि ये एक सिम्बॉलिक बात थी, लेकिन रुकावट ये कंसर्न लोगों को एक मैसेज देना था कि आपने इस तरह की रुकावट। लास्टली बताइए कि जो मरियम हुकूमत है उनकी तरफ से बयान आया है कि अब दोबारा गंडापुर अगर पंजाब के हदूद में दाखिल हुआ तो इनके बाल और मूछे काट कर वापस भेजा जाएगा चोरों की तरह, और इसके ऊपर जो है शेख वकास अकरम ने कहा है कि इसका मतलब है पंजाब में नाइयों की हुकूमत है कि वो मूछे शूछे काटते हैं, दाढ़ी शाढ़ी शेव शूप करते हैं। तो ये नाई हैं कौन कौन, कोई नैन भी है इसमें? देखिए लोहारों की तो सुना था, अब नाई हैं उनके अपने करतूत बताएंगे। लोहारों का तो एस्टैब्लिश है, एडमिटेड है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए इनको, बजाय इस बात के कि यहाँ ये कठपुतली हारे हुए लोग हैं, इन्होंने डाका जनी के ज़रिए अपने इख्तदार को तवालत देने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी ये करें ये इनके बाप का नहीं है, ना पंजाब ना मोटरवे, ये हुकूमत पाकिस्तान का है, ये आवाम का है। अवाम का जहाँ हक है, अवाम के रास्ते में जो भी रुकावटें पैदा करेंगी वो खुद नेस्त नाबूद हो जाए। लॉन्ग मार्च है डी चौक की तरफ, रैली है, एहतजाज है, कितने के लोग आ रहे हैं? प्रोटेस्ट है, इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू शेख शहीन साहब। अब ये मुझे बताइए 80 साल बूढ़ी माँ जो गिरफ्तार है, ये देखें इन बदमाशों और बेईमानों कठपुतलियों और यजीदियों की ये इतनी बड़ी घटिया हरकत है कि इनकी नज़र में 80 साल की बूढ़ी माँ वो भी दहशत गर्द है, उनकी नज़र में शुएब शाहीन जो सीनियर वकील है जिसने पाकिस्तान के तमाम बार काउंसल्स और बार एसोसिएशन को हेड किया है वो भी दहशत गर्द है, बलोचिस्तान में बैठने वाला बलोच और मारंग बलोच भी दहशत गर्द है, खैबर पख्तूनख्वा में बैठने वाला हर पख्तून भी दहशत गर्द है, उनकी नज़र में पंजाब में बैठने वाला, सिंध में बैठने वाला हर शहरी दहशत गर्द है। तो ये काबिल अफसोस बात है, इनको शर्म आनी चाहिए ये हरकतें करते हैं। थैंक यू।